पार्टी के लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो धर्म की आड़ पे छुप जाती है। हमने बार बार कहा है और आज पुनः मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम सर्वधर्म संभाव, वसुदेव कुटुंबकम, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करते हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ ना तो आचरण करते हैं ना बोलते हैं। रही बात मेरे व्यक्तिगत की लेवल की, तो मैं सनातनी हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। सर, इसके अलावा जो मेघवाल विधायक हैं उनको पार्टी ने स्वस्थता और उनकी खारिज के प्रदेश निकाल दिया गया था, जिन्होंने अर्जुन राम मेघवाल के ऊपर सवाल खड़े किए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल जी को उनका आईना दिखाया, तो कैलाश मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये तो भाजपा की नीति है कि जो भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होकर सवाल पूछता है भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि 3 दिन कैसे लग गए, क्योंकि ये बयान उन्होंने 3-4 दिन पहले दिया था। मुझे तो लगा कि उसी समय कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का आईना उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल जी जो देश के कानून मंत्री है उनको दिखाया, और उस आईने को देख के, उस सूरत को देख के भाजपा और अर्जुन राम मेघवाल जी तिल मिला गए और उनको निकाल दिया। किसी को निकालने से भ्रष्टाचार के आरोप खत्म नहीं होते। राघव चड्ढा पे क्या कहेंगे आप, उन्होंने मनभेद मतभेद इन सबको बढ़ाने की बात कही है, और अच्छा है हम इंडिया के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसे भारत की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे युवाओं को रोजगार हो, जहाँ पे महंगाई से राहत हो, जहाँ महिलाओं का आत्मसम्मान की रक्षा हो, इन चीज़ों पर वहाँ चर्चा होती है। पॉलिटिकल चर्चाएं तो होती है, पर एक चर्चा इस पे भी होती है कि हम बेरोजगारी पे हमारा स्टैंड और हम कैसे जो मोदी निर्मित महंगाई और बेरोजगारी है उसको हम कैसे कंट्रोल में ला के 2024 से ख़त्म करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।